आपको अगले 1000 साल के भारत की नींव मजबूत करने के लिए मतदान करना है। मैं आज मीडिया वालों की मदद करना चाहता हूं। ये सर्वे के पीछे ये मीडिया वाले इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? जब मोदी को गालियां बढ़ जाएं, तो रुझान समझ जाइए। फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे, तो समझ जाइए फिर एक बार। आजकल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? 19 अप्रैल को आपको सिर्फ एक सांसद नहीं चुनना है, आपको अगले 1000 साल के भारत की नींव मजबूत करने के लिए मतदान करना है। आपको विकसित भारत के संकल्प के लिए मतदान करना है। साथियों, आजकल ये टीवी वाले, मीडिया वाले चुनाव को लेकर लगातार सर्वे दिखा रहे हैं। इस सर्वे में एनडीए की बंपर जीत दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आज मीडिया वालों की मदद करना चाहता हूं। ये सर्वे के पीछे ये मीडिया वाले इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? इनको पैसा बचाने का एक फॉर्मूला आज मैं देना चाहता हूं। जब मोदी को गालियां बढ़ जाएं, तो रुझान समझ जाइए फिर एक बार। जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे, तो समझ जाइए फिर एक बार। जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे, तो रुझान समझ जाइए फिर एक बार। साथियों, आजकल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अभी नितिन जी ने उसका बड़ा जमकर के जवाब दिया है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का, सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वो ही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया,
इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं।